सातों विछोड़े स्थान भाग चौथा सियालकोट नारोवाल गुजरांवाला गुजरात मंडी बहाउद्दीन ते हाफजाबाद जिलों के स्थान। गुरुद्वारा गुरु साहिब तिलकपुर सियालकोट, इस पिंड गुरु नानक देव पातशाह का पावन स्थान है। गुरु साहब जम्मू तो चल के इत्थे आए सी। यह स्थान हुण अलोप हो चुका है, बिल्डिंग टट चुकी है, केवल कुछ कंधा ही बाकी हैं। इस गुरद्वारा साहब का नाम कई किताबों च नानकसर भी लिखा है। गुरद्वारा बेर साहब सियालकोट, जम्मू तो कश्मीर जाते हुए श्री गुरु नानक देव जी सियालकोट पुजे तो पूरा शहर सहमया होया सी। आप दे पुछन ते पता लगा कि एक बुजुर्ग फकीर हमजा गौस नाल किसी ने वादा खिलाफी की है, तो वो गुस्से में आके 40 दिन का चिल्ला कट रहे हैं। चिल्ला पूरा होने ते सारा शहर गर्क जाएगा। ये सुन के सतगुरु जी चिल्ले वाली थां तो थोड़ी विथ उत्ते एक बेरी दे रुख हेठ जा राजे अते उच्ची उच्ची शब्द पढ़न लग गए। हमजा गौस का चिल्ला टुट गया। वह गुस्से च गुरु जी कोल आया ते पुछन लगा कि तू कौन है। गुरु साहब जी ने जवाब दिता, फिर सारी गल अगे तुरी ते सतगुरु देव जी ने फरमाया कि हमजा जी किसी एक दे झूठ बदले तुसी सारे शहर नू क्यों सजा देना चाहते हो। तो हमजे गौस ने फिर भी अपनी जित ते अड़िया रहा ते कहन लगा जी ये सारे शहर के लोग झूठे ने। पर गुरु साहब जी ने फरमाया कि नहीं, शहर विच कुछ नेक इंसान भी हैगे ने जिहड़े जीवन के महत्व नू समझदे ने। गुरु नानक देव जी ने भाई मरदाना जी नू दो पैसे दे के सच अते झूठ खरीदण लई बाजार भेज दिता। कुछ लोगों ने मरदाने भाई मरदाने का मखौल उड़ाया, पर मूला नामी एक कराड़ अजिहा भी सी जिन्हें दो पैसे रख के एक परची उत्ते लिख दिता जीवना झूठ है ते दूजी परची ते लिख दिता मरना सच है। ये दोवें परचियां भाई मरदाने ने सतगुरु जी नू आ पेश कीतियां। हमजा गौस ने जद पढ़िया ते उहना सियालकोट निवासियों नू माफ कर दिता। इहो ही मूला कराड़ कुछ चिर सतगुरां नाल सफर विच वी रहा। जन्म साखियां च अनुसार एक बार सतगुरु नानक देव जी उहदे घर गए ते बाहरों आवाज मारी, उह अपनी पत्नी दे आखे लग के नेरे च पाथियां वाले घीरे च जा लुकिया। उहदी पत्नी ने आख्या कि वह तो घर नहीं है जी। थोड़े चिर पिछों पता लग्या कि नेरे विच ही जिहड़े उह पाथियां वाले घीरे दे विच लुकिया पिया सी, उत्थे उहनूं सप्प लड़ गया। सतगुरु नानक देव जी जिस तरह ठहरे हुए सन उस महल्ले नूं अज भी बाबा बेर आख्या जाता है। इत्थे एक सुंदर ते आलीशान गुरद्वारा बनया होया है, इहनूं बेरी साहिब आख्या जाता है। गुरद्वारे के पिछवाड़े बेरी का रुख मौजूद है जिस थले आप विराजे सन। हुण कुछ वरिया तो इस बिरछ थले किसी मुसलमान फकीर की कबर भी बना दिती गई है। यह गुरद्वारा शहीद बाबा नत्था सिंह जी ने बड़े प्रेम नाल सुंदर बनाया सी। इसे गुरद्वारे के महंत को रह के ज्ञानी ज्ञान सिंह ने तवारीख खालसा किताब लिखी। इस हाथ के अंदर ही शहीद नत्था सिंह जी का शहीद गंज है। ये याद रहे ये ओही नत्था सिंह है जिन्हें दुरानी नूं बादशाह दुरानी नूं 1762 च इत्थे जदों उन्हें हरिमंदर साहब ते हमला कीता सी ते उहदा मुकाबला कीता सी। भाई नत्था सिंह का शहीद नत्था सिंह का बनाया एक वड्डा खूह जिहदे उत्ते कई हल्ट चलदे सन इस गुरद्वारे दे नाल ही सी। एक सुंदर तालाब भी है। बाबरी मस्जिद के झगड़े वेले इस पावन स्थान नूं बहुत नुकसान पहुंचिया। इहदे नाल लगदा एक बहुत ही उच्चा मंदिर है जिहनूं लोकां ने ढा ढेरी कर दिता। गुरद्वारा साहिब की इमारत की मुरम्मत की सख्त लोड़ है।
गुरद्वारा बौली साहिब सियालकोट। ये गुरद्वारा उस थां ते बनाया गया जिथे मूले कराड़ दा घर हुंदा सी, जो अपनी पत्नी दे कहे कहाए अंदर जा लुकिया ते जिथे उन्हूं सप्प लड़ गया। इत्थे ही सतगुरु जी ने यह शब्द उचारिया, नाल कराड़ा दोस्ती कूड़े कूड़ी पाए, मर न जापे मूलिया आवे किते थाए। इस गुरद्वारे की सेवा भी भाई नत्था सिंह जी ने बड़े प्रेम नाल कीती। गुरद्वारा सुंदर बनिया होया है, अजकल इहदे विच अन्नियां दा स्कूल है। इस दे नाल ही भाई नत्था सिंह जी होरां दा बनाया सरोवर है, जो अज भी मौजूद है पर हौली हौली अलोप होण वल वध रहा है। चिल्लागाह ते कबर हज़रत हमजा गौस। मोहल्ला बाबे बेर विच गुरद्वारा बेर जी साहब तो कोई 400 मीटर की विथ ते कब्रस्तान विच उच्चे थड़े ते दो कबरां हन, एक पीर हज़रत हमजा गौस जी दी है ते दूजी कबर उन्हां दे मरीद दी है। इस कब्रस्तान दे सज्जे पासे वाली सामणी नुक्कर विच इक उच्ची गुंबददार इमारत है, ये उन्हां दी चिल्लागाह है। गुरद्वारा नानकसर साहोवाल तहसील संभड़ियाल जिला सियालकोट। गुरद्वारा साहब की इमारत मंदिर दे तरह की होण करके लोग इस स्थान नूं नानक मंदिर करके जानते हैं। प्रकाश स्थान इस कलस्तर मंदिर अंदर है, जबकि विशाल हवेली वर्गी इमारत बहुत अंदर बहुत सारे रिहायशी कमरे हैं जिन्हां अंदर अजकल शरणार्थी बसे हुए हैं। सतगुरु श्री गुरु नानक देव जी सियालकोट तो चल के इत्थे विराजे सन, इत्थे आप 7 दिन ठहरे। उस समय इत्थे एक ताल पंजी कमां च हुंदा सी। ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੀ ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਉਦਾਸੀ ਸਾਧੂ ਪੁਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਛੋਟਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਿਓਕੇ ਦਸਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਆਲਕੋਟ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਛੋਟਾ ਨਨਕਾਣਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੂਰੇ ਨਾਮਕ ਸਿੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵੇਖ ਕੇ ਪਸਰੂਰ ਤੋਂ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਕੁਛ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਠਹਿਰੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਭਾਰੋਵਾਲ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੇਰੀਆਂ ਦੇ ਝੁੰਡ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰੇ, ਜੋ ਹੁਣ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬੇਰੀਆਂ ਦੇ ਝੁੰਡ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਬਰਸਤਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਠਹਿਰਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਅਲੋਪ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਅੱਜ ਯਾਨੀ 4 ਮਈ 1997 ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਮੁਖੀ ਦਾ ਖੇਤ ਝੂਮ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪਸਰੂਰ ਦਿਓਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਆਲਕੋਟ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸਿਆਲਕੋਟ ਤੋਂ ਪਸਰੂਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਇੱਥੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਠਹਿਰੇ ਸਨ ਉਸਨੂੰ ਦਿਓਕਾ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਸਰੂਰ ਪਹੁੰਚੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੂਫੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੂਫੀ ਹਜ਼ਰਤ ਮੀਆਂ ਮਿੱਠਾ ਜੀ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਅਤੇ ਮੀਆਂ ਮਿੱਠੇ ਵਿਚਕਾਰ ਗੋਸ਼ਤੀ ਹੋਈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੋ ਮੀਆਂ ਮਿੱਠਾ ਜੀ ਨੂੰ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਹੈ, ਮੀਆਂ ਮਿੱਠੇ ਦਾ ਕਠਿਆਲਾ। ਇਹ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਕੋਈ 6-7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਫਤਿਹ ਪਿੰਡਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਆਲਕੋਟ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵੇਖ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਜਿਸ ਥਾਂ ਆਪ ਰਾਜੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰਸਥਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਛੇਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਗਲੋਟੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਆਲਕੋਟ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਚਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਮੁੜਦੇ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਬਰਾਜੇ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ਦੇ ਅਚਨਚੇਤ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੁੰਦਰ ਗੁੰਬਦ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਇਮਾਰਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਥਾਨ ਚਿੱਟੇ ਸੰਗਮਰਮਰ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਜੰਝਘਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੋੜ ਦਾ ਰੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਅਲੋਪ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਪਤਲੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੁੰਡ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਸਮਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਆਲਕੋਟ। ਇਸ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 3 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੁੰਡ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਸਰ ਅਤੇ ਟਾਹਲੀ ਸਾਹਿਬ ਹਨ।
हूँ इस पिंड का नाम सालेपुर है। कस्बा चपराड़ के नाल एक तुसी बंध है, इस बंध नूं पार करके इस पिंड जाया जा सकता है। गुरद्वारा कुंड साहब तो हुण अलोप हो चुका है। कुंड साहब के किनारे ते एक तपस्थान अज भी खलोता है। गुरद्वारा गुरुसर रैसमा जिला सियालकोट। पिंड अंदर गुरु हरगोबिंद साहब जी का स्थान है ते पिंड तो भी अद्धा किलोमीटर बाहर गुरु साहब का तालाब है। जब गुरु साहब इत्थे पधारे तां दे सुक चुका सी, गुरु जी ने नेजा मार के जल कढ़िया। इस वेले ये पावन सरोवर पूरिया जा चुका है जदों के गुरद्वारा साहब च लोग वसे हुए हैं। गुरद्वारा टाली साहब रैसमा सियालकोट। पिंड रैसमा जा सालेपुर अंदर गुरु हरगोबिंद साहब जी का तीजा स्थान है। जब गुरु साहब इत्थे तशरीफ लियाए तद इत्थे एक गुसाई साधु की लड़की का विआह सी। उसकी बेनती करन ते गुरु साहब ने उसके घर में चरण पाए। उन्हां जिस कुंड विच पैर धोते वह पूजा स्थान बन गया। गुरु साहब ने साधु नूं 100 रुपये एक बटुए च पा के दिते ते सहली टोपी बख्शी। कदे ये तिन्ने वस्तां इत्थे हुंदियां सन। सवाल उठता है कि अज ये यादगारां कित्थे ने, की कोई फोन करके सानू दसेगा। पिंड तो पूर्व वल टाली साहब नामी स्थान है। गुरु साहब कश्मीर जाते हुए इत्थे बराजे, टाली नाल घोड़ा बन्या, इस करके इसका नाम टाली साहब प्रसिद्ध हो गया। ये मकान भी हुण एक मकान की सूरत विच है, इस अंदर लोगों की रहायश है। गुरद्वारा बाबा गुरबख्श सिंह नैणाकोट। ये स्थान बाबा बुढ़ा जी की वंश के रतन बाबा गुरबख्श सिंह जी का है। गुरद्वारा साहब की विशाल हवेली जिहदियां कंधां ढह चुकियां हन। प्रकाश स्थान इन्ना सुंदर है कि अज भी वेखण वाले नूं कील लैंदा है। यह स्थान एक कतार विच बने 3 कमरिया च है। इस दे सामने गोल इमारत बाबा गुरबख्श सिंह जी की समाध है, जो 1 फुट उच्चे थड़े उत्ते बनी हुई है। अजकल इहदे च प्राइमरी स्कूल चल रहा है। गुरद्वारा पहली पातशाही मल्ला जिला नारोवाल। इस पिंड के बाहर पूर्व वाल गुरु नानक देव जी का गुरद्वारा साहब सी। सतगुरु जी करतारपुर साहब तो सियालकोट जाते हुए इस तक बेरी के रुख थले बराजे सन। उस बेरी पास एक छोटा जहा गुरद्वारा सी। हुण ना तो बेरी रही है ते ना ही गुरद्वारा साहब, केवल मिट्टी का एक ढेर ही है। 1952 विच रावी दे हड़ नाल यह पावन स्थान मिट्टी का ढेर हो गया। गुरद्वारा करतारपुर साहब जिथे गुरु साहब ज्योति ज्योत समाए सन गुरु नानक पातशाह। करतारपुर साहब ते एक अलग नाल असी भाग दे रहे हैं पूरा, क्योंकि इत्थे लांघे की जो गल चल रही है सारी विस्थार नाल दसी गई है। गुरद्वारा टहली साहब धक्का कोटली छकड़गढ़ जिला नारोवाल। पिंड कक्का अंदर श्री गुरु हर राय साहब जी का स्थान टहली साहब है। एक विशाल ते सुंदर गुरद्वारा जो हुण ढह ढेरी हो रहा है। सतगुरु जी इत्थे टाली ते बेरी दे रुख थले बराजे। हुण टाली तां सुक चुकी है, जबकि बेरी अज भी अपनी शाना विखा रही है। इत्थे गुरु साहब दे ने मौले नामक मनुख नूं खरगोश की जून तो मुक्त किया सी। इसकी समाध पिंड बुआ विच स्थित है। भाई फतेह चंद प्रेमी सिख की प्रीत करके गुरु साहब कुछ दिन इस टाली के बेरी के रुख हेठां बराजे सन। यह पावन स्थान इस शो की यादगार है। अजक इस गुरदासपुर का एक शरणार्थी रह रहा है। इमारत की हालत बहुत खस्ता हो। गुरद्वारा छेवीं पातशाही हाफजाबाद शहर। हाफजाबाद शहर अंदर मोहला गुरु नानकपुरे स्थित है। इस स्थान में माण प्राप्त है कि मीरी पीरी देह पातशाह गुरु हरगोबिंद साहब जी कश्मीर तो मुड़ते हुए रामनगर ज रसूल नगर तो चल के इतने बराजे। जिथे आप जी ने घोड़ा बनया उसनू किला साहब, तो जिथे आप जी ने आराम फरमाया उसनू रोड़ी साहब कहा जान लगा। हुण कुछ सालों तो दरबार अंदर सरवरिया ने कबर बना दी है, जिस अंदर कोई भी मनुख दफन नहीं है। यह खाली कबर है। उंज मेले की रीत अजे भी जारी है। गुरद्वारा इच्छा पूर्वक विन्नी हाफजाबाद। इस पिंड श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी का गुरद्वारा इच्छा पूर्वक है। सतगुरु जी पिंड वासियों के प्रेम नूं वेखदे हुए हाफजाबाद तो चल के इत्थे पहुंचे सन। गुरद्वारा साहब एक मकान की सूरत विच चंगा बनया होया है। अजकल इहदे च शरणार्थी वसे हुए हैं।
गुरद्वारा गुरु अमरदास जी धुनी पिंड धुनी वाले गुरद्वारा साहब विच गुरु अमरदास जी के जोड़े का एक पैर से जो 11 इंच लम्मा तो 3.5 इंच चौड़ा से। भाई चैनामल जी ने धीरोमल तीजे गुरु का प्रेमी सिख से। सतगुरु जी ने इसकी सेवा तो प्रसन्न होकर उसनू अपना जोड़ा बख्शा जिसका एक पैर इत्थे हुंदा सी ते एक पैर मदर जिला ननकाणा साहब विच सी। हजीरा दे रोगी इन्हां थावां विच जांदे ते जोड़े नू गल नाल छुआ के रोग हुंदे। इस वेले गुरद्वारा साहब पिंड दे विचाले है अंबाले तो आए हुए शरणार्थी इत्थे अजकल वसे हुए हन। गुरद्वारा पिंड बच्चे इस पिंड विच श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी का गुरद्वारा है। गुरु जी विनी तो चल के इत्थे थोड़ा समा बराजे ते उपदेश दिता। छोटा जिहा गुरद्वारा हुंदा सी जो हुण अलोप हो चुका है उसकी सिर्फ नींह ही बची है। गुरद्वारे के नाल लगती महंत भारती दास की समाधि अजे खलोती है। भारती दास एक बार दसम पातशाह पास एक सुंदर घोड़ा लैके हाजिर होया सी। गुरु जी ने प्रसन्न होकर उसनों एक दस्तार ते गुरु ग्रंथ साहब जी बख्शे सी जो 1947 तक इत्थे विराजमान रहे। श्रद्धालु दूर दूर तो उन्होंने इन्हां चीज़ां दे दर्शनां नूं आउंदे सन। की कोई दसेगा कि ये निशानियां अज कित्थे ने? गुरद्वारा रोड़ी साहब अहमदाबाद गुजरांवाला। अहमदाबाद पक्की सड़क किनारे पहले पातशाह श्री गुरु नानक देव जी का गुरद्वारा रोड़ी साहब है। इस तरह गुरु साहब रोड़ां दे आसन ते बराजे सन। इत्थों ही बाबर दीआं फौजां ने संमत 1578 विच आप नूं गिरफ्तार किया सी। इस थां एक बहुत ही आलीशान गुरद्वारा बनिया होया है। विशाल सरोवर ते सुंदर इमारतां इसकी शान च होर वाधा करदियां हन। मेला विसाखी नूं मनाया जांदा है जिस विच गुजरांवाले ते होर इलाकियां दे लोक हुम हुमा के आउंदे हन। गुरद्वारा चक्की साहब अहमदाबाद गुजरांवाला। शहनशाह बाबर दीआं फौजां ने जद संमत 1538 नूं सैदपुर यानी अहमदाबाद उत्ते कब्जा किया ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਕੀ ਪੀਣ ਦੀ ਮਸ਼ਕਤ ਲਈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਚੱਕੀ ਆਪੇ ਹੀ ਚੱਲਣ ਡਈ ਹੈ। ਉਹ ਦੌੜੇ ਗਏ ਅਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਬਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕਰੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਬਰ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਇਉਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੈਦੀ ਰਿਹਾ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਕੈਦ ਹੋ ਕੇ ਚੱਕੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਬਾਬਰ ਵੇਲੇ ਦੇ ਦੋ ਕਮਰੇ ਹਨ। ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਝੂਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੀਖੂਈ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ। ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਸੈਦਪੁਰ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਨਿਵਾਸੀ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਤਰਖਾਣ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਜਦ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਆਏ ਤਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਘਰ ਹੀ ਠਹਿਰੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੈਸੀ ਮੈਂ ਆਵੇ ਖਸਮ ਕੀ ਪਾਣੀ ਤੈਸੜਾ ਕਰੀ ਗਿਆਨ ਵੇ ਲਾਲੋ ਤਲੰਗ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰੀ। ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਨਾਮੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜੋ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਹਾਕਮ ਦਾ ਅਹਿਲਕਾਰ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਸਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਭੋਜ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਉਸਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭਰੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਮਾਲ ਪੂੜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲਾਲੋ ਤਰਖਾਣ ਦੀ ਸੁੱਕੀ ਕੋਧੜੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਨਿਚੋੜਿਆ ਤਾਂ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਦੇ ਮਾਲ ਪੂੜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਟਪਕਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਅਤੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੀ ਸੁੱਕੀ ਰੋਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁੱਧ ਸਿਮਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਤੇਰੀ ਕਮਾਈ ਅੰਦਰ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਚੂਸਿਆ ਖੂਨ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਸ ਤਰਖਾਣ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਹਲਾਲ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਦੁੱਧ ਹੈ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਜੋ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮਾਲ ਪੂੜਿਆਂ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਸੁੱਕੇ ਕੋਧਰੇ ਦੇ ਟੁੱਕੜ ਚੰਗੇ ਜਾਣੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਚੱਕ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ। ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਭਾਈ ਪੁਰਾਣੇ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਖਿੱਚੇ ਆਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਸੁੰਦਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਅਲੋਪ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਜਵਾਰਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਹੁਣ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਹਿਲ ਕਰਕੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ 40 ਕਮਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਫ਼ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਧਾਰਨ ਗੋਲੀ ਕਰਕੇ ਮਿੱਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਹਿਕਮਾ ਔਕਾਫ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੋਠਾ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ।
शहर में श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी का पावन स्थान गुरु कोठा करके मशहूर है। आप कश्मीर तो मुड़ते हुए अपने एक प्रेमी सिख भाई खेमचंद जी के घर ठहरे, जिथे बाद गुरद्वारा उसार दिता गया। एक बहुत ही सुंदर इमारत सी, हुण चोखा हिस्सा ढह चुका है। गुरद्वारा साहब अंदर शरणार्थियों के घर आबाद हैं। एक सुंदर ते विशाल तालाब इसकी सुंदरता में वाधा करता है। गुरद्वारा छेवीं पातशाही रसूल नगर रामनगर नामी बहुत ही इतिहासक कस्बा, जिन्हों अजक रसूल नगर कह जाता है। इस कस्बे अंदर श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी का गुरद्वारा शाना विखा रहा है। गुरद्वारे के सज्जे पासे वाला बूहा एक विशाल बाग वाल खुलता है, जो इस दरबार का हिस्सा है। सतगुरु श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी वजीराबाद तो चल के इतने आए सन, तो इतों उठ के हफजाबाद में अपने चरणों की शोभ बख्शी। 1992 की सौनी वेले इस दरबार के गुंबद उत्ते आसमानी बिजली डिगी, जिदे नाल गुंबद का उतला हिस्सा सड़ गया। इस वेले इस दरबार की सरावान अंदर बहुत सारे गुजरां के घर वसे हुए हैं। गुरद्वारा छेवीं पातशाही कोटली भाग गुजरांवाला, इत्थे सतगुरु श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी का छोटा जिहा गुरद्वारा बनिया होया है। आप जिस पिपल के रुख हेठ बराजे वो अजे तक मौजूद है। कोल ही निक्का जिहा मंजी साहब ते थड़ा साहब है, हुण इत्थे लोग वस चुके हैं। गुरद्वारा खारा साहब भाई के मट्टू जिला गुजरांवाला, छेवें पातशाह श्री गुरु हरगोबिंद जी इस थान ते बराजे ते एक आदमी मत्था टेक के आप जी के पास बह गया। उस दियां मुछां तंबाकू बीबी के पीलियां हुई पईआं सन। गुरु जी ने उस तो उहदा नाम पुछया, उसने उत्तर दिता कि मेरा नाम हरगोबिंद है। सतगुरु जी ने आख्या भाई ये नाम रख के फिर तंबाकू पीण का कोई कर्म क्यों करता है। तो उस तो उसने अगे तो तंबाकू पीना छड्ड दिता। पिछली भुल माफी मांग के वह गुरु का सिख होया। गुरद्वारा साहब की इमारत बहुत ही सुंदर बनी हुई है। इमारत के अंदर बार सोहनी फुलकारी है, छत्तां उत्ते वेल बूटे बने हुए हैं। यह इमारत सन 1933 च बनी। गुरद्वारा दमदमा साहब गुजरांवाला, इस स्थान को दमदमा साहब बाबा साहब सिंह जी बेदी आख्या जाता है। बाबा साहब सिंह जी गुरु नानक जी की अंश विचों ही सन, तो बड़े मशहूर प्रचारक होए हैं। बाबा जी का लंगर हर वेले सब लई वरता रहिंदा सी, कथा कीर्तन चलता रहिंदा सी। इन्हां दा देहांत जिहड़ा 1891 संमत नूं ऊना विखे होया। गुजरांवाला शहर अंदर आप जी का यह स्थान सरदार बहादुर सुखा सिंह ते उन्हां दे सपुत्रां ने 1928 नूं बनाया सी। एक बहुत ही वड्डी इमारत है, इस ते अनेकां कमरे हन। लंगर हाल ते दूजियां इमारतां विचाले प्रकाश स्थान है। इस वेले इस अंदर बहुत सारे मुहाजरां दे घर वसे हुए हैं। उंज कागजी कब्जा वक्फ बोर्ड दा है। गुरद्वारा भाई लालू जी ततलियाणी गुजरांवाला, इस दी इमारत 3 मंजिला गुंबददार बनी हुई है। इस वेले इस अंदर गवर्नमेंट प्रायमरी स्कूल है। समाध सरदार चढ़त सिंह गुजरांवाला, सरदार चढ़त सिंह शुकर चक्किया मिसल का मोढ़ी ते महाराजा रणजीत सिंह जी का दादा सी, जो संमत 1779 नूं पैदा होया ते सिख राज वास्ते जूझदा रहा। उन्हें गुजरांवाले दे इलाके उत्ते कब्जा करके एक वड्डी सिख रियासत कायम कर दित्ती सी। इन्हां दा देहांत अपनी बंदूक पार जाण कारण सन 1772 ईस्वी नूं होया। इमारत बड़ी खूबसूरत ते मजबूत बनी हुई है। इस दे वड्डे गेट सामने बाग अंदर महाराजा रणजीत सिंह बनाई हुई बारादरी सी, जो हुण अलोप हो चुकी है। बड़ी मां सिंह गुजरांवाला, सरदार मां सिंह का जन्म 1760 ईस्वी में सरदार चढ़त सिंह जी के घर होया। 12 साल की उम्र में ही उन्होंने अपनी मिसल की वागडोर संभाल ली। बहुत सारे सिख सरदारों को मिला के एक वड्डी रियासत की नींह रखी। सरदार मां सिंह के पुत्र रणजीत सिंह ने तो इस रियासत को होर भी वधाया, पूरे पंजाब का महाराजा के शेरे पंजाब खवाया। सरदार मां सिंह का देहांत 1792 में गुजरांवाले में होया। उन्हां दी याद में महाराजा रणजीत सिंह ने समाध की यह इमारत बनाई, जो एक आलीशान इमारत है। यह समाध गुजरांवाले शहर की मशहूर शेरांवाले बाग की नुक्कर ते है।
अज भी ये इमारत अपनी शान वखरों वखरी नजर आती है। जन्म स्थान महाराजा रणजीत सिंह सब्ज मंडी गुजरांवाला शहर। महाराजा रणजीत सिंह जी का जन्म स्थान गुजरांवाले शहर की सब्ज मंडी विच है। एक बहुत ही सुंदर मकान है। मकान के मुख्य दरवाजे तो अंदर लंघ के फिर खुला वेहड़ा आ जाता है। इस वेहड़े के दो हिस्से हैं। पिछले हिस्से सज्जे हाथों कमरा जिथे महाराजे का जन्म होया। आपके पिता जी का नाम महा सिंह, माता का नाम बीबी राज कौर सी। आपकी बाल उम्र इत्थे ही गुजरी। इत्थे ही आपके उत्ते शीतला रोग का हल्ला होया, जिस विच आपकी एक अख जाती रही। हुण मकान की ड्योढ़ी विच सुनियारे की हट्टी है। महकमा आसारे कदीमा यानी आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट इस मकान की कोई देखभाल नहीं कर रहा। छत्तां डिग चुकिया, कंधां नूं केरा लग चुकिया, जदों कि सुनियारे की हट्टी एयर कंडीशन है। जे यही हालत रही तो इतिहास का ये सुनहरी पन्ना भी एक दिन मिट जाऊगा। सरदार हरी सिंह नलूए का जन्म सन 1791 नूं कसेरा बाजार गुजरांवाला शहर विच होया। आपके पिता का नाम सरदार गुरदयाल सिंह, माता का नाम धर्म कौर सी। ये उपल खत्री सन। महाराजा रणजीत सिंह के राज वास्ते उन्होंने अनेक मल्ला मारियां। वो पंजाबी फौज के मशहूर जरनैलों विचों एक सन। उन्होंने 1837 में जमरोह के किले अंदर लड़द्या प्राण त्यागे। कसेरा बाजार वाली यह हवेली उन्होंने जद्दी हवेली सी। इस हवेले दियां मनमोहणियां बारियां ते बूहे तार के लाहौर अजायब घर विच रख दिते गए हैं, जो अज भी मौजूद हैं। 1947 तो मगरों इत्थे लुधियाणे का एक शरणार्थी परिवार आके रह रहा है। गुरद्वारा नानकसर डिंगा जिला गुजरात। गुरु नानक देव जी जद इत्थे चरण पाए तो एक पखंडी योगी ने अपना दंभ खिला रहा होया सी। उसने होका दवाया कि मैं बिना खाधे पीते 40 कट्टांगा। गुरु जी ने होका बंद करवा दिता। जब उसका 40 पूरा होया तो वह यह वेख के बेहोश हो गया कि उन्होंने वेखण ही कोई नहीं आया। तब सतगुरु जी ने ढोली तो होका दवाया। लोग फिर कट्ठे होए तो आपने फरमाया कि योगी दरअसल झूठ बोलता है, इसने बिना खाद्या 40 कट्टिया। उत्थे फिर गुरु साहब ने लोगों को समझाया कि यह तो होमे की खुराक खाता है। होमे नूं मारे बिना कदे कोई योगी सूफी समझा फकीर नहीं हो सकता। गुरद्वारा छेवीं पातशाही बजुर्गवाल गुजरात। इस पिंड अंदर 3 गुरद्वारे सन। हुण कोई एक भी सबूता नहीं। बाकी 2 गुरद्वारे ते तां नाम निशान उक्का ही मिट चुके हैं, जबकि इस इतिहासिक स्थान के कुछ निशान बाकी हैं। श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी का यह गुरद्वारा साहब है। आप कश्मीर तो गुजरात आते हुए इत्थे बराजे सन। गुरद्वारा हवेली छेवीं पातशाही गुजरात। मीरी पीरी के मालक श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी कश्मीर तो मुड़ते हुए इत्थे बराजे सन। इस दी इमारत बहुत ही सुंदर बनी हुई है। इस वेले इस विच बहुत सारे शरणार्थियों के घर हैं। इस शहर के अंदर मुसलमान सूफी हज़रत शाह दौला जी का भी मजार है। भाई गढ़ीए का इन्हां नाल मिलाप होया सी। भाई गढ़ीए तो आपने सुखमनी साहब का पाठ सुनिया, मगरों छेवें पातशाह जी नाल भी आप जी की मिलनी हुई। शाह दौला जी ने गुरु गोबिंद सिंह जी ने 100 तोले सोना भेट किया, जो सब कुछ तवारीख का हिस्सा है। शाह दौला का मजार गुत्था साहब के नेड़े ही है। मजार हज़रत शाह दौला गुजरात शहर। गुजरात के इलाके अंदर हज़रत शाह दौला जी का मजार मुसलमाना की एक वड्डी ज़ियारतगाह है। इलाके विच इन्हां दी बहुत वड्डी मानता है। शाह दौला गुरु घर प्रति भी सत्कार रखता सी। छेवें पातशाह जी दे उन्होंने उसने दर्शन किए तो 10 पातशाह नूं भेट भेजी। गुरद्वारा केर साहब जय सुखवाला मंडी बहाउद्दीन। गुरु नानक देव साहब जी डिंगे तो चल के इत्थे बराजे सन। उस वेले इत्थों दा एक सूफी लोगों तो रुस के उन्होंने बददुआ देना चाहता सी। आप जी ने उसनों रब्बी कम्मां नूं हाथ विच लैण तो वरजिया। उस फकीर दे पोतरे भाई भाग जी ने बहुत ही सुचा जीवन जीविया। उहदी समाध गुरद्वारा साहब दे सरोवर दे दूजे कंढे अज भी
ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਠੰਡੀ ਛਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮੇਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 3 ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਸੁੰਦਰ ਇਮਾਰਤ ਬਣਵਾਈ ਗਈ। ਉਸਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ 2 ਸੁੰਦਰ ਤਲਾਅ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੀਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਠਹਿਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਸਰਾਂ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਕੋਈ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਘਰ ਆਬਾਦ ਹਨ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭਾਈ ਬੰਨੂ ਮਾਂਗਟ ਮੰਡੀ ਬਹਾਉਦੀਨ, ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਬੰਨੂ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਸੀ। ਭਾਈ ਬੰਨੂ ਵਾਲੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੀੜ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਬੀੜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਸ ਕਾਨਪੁਰ UP ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੁਕਮ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤਲਾਬ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਤਲਾਬ ਹੁਣ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।